अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको लेसन नंबर 2 में। आज के लेसन में सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पुराने लेसन को, जिसमें हम लोगों ने इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, फुल स्टैक डेवलपर को देखा था, कोर्स प्री रिक्विजिट देखी थी, उसके अलावा फ्रंट एंड बैक एंड लैंग्वेज देखी थी, उसके अलावा रोड मैप देखा था ASP.NET का, और टूल्स एंड एडिटर्स के ऊपर हम लोगों ने लेक्चर को छोड़ दिया था। तो आज हम लोग टूल एंड एडिटर से अपने लेक्चर का लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो लेक्चर नंबर 2 में हमें वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। वो टूल्स हमारा क्या काम करते हैं, हम उन टूल्स की मदद से क्या काम ले सकते हैं, क्या काम करवा सकते हैं, तो उनमें बहुत से टूल्स हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, सबलाइम है, नोटपैड है, वी स्टूडियो कोड है, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वी स्टूडियो है, नोटपैड प्लस प्लस है, इस तरह के बहुत से टूल्स हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। ये टूल्स बेसिकली फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल होंगे और बैक एंड के लिए हमारे अलग से टूल्स होंगे जो आगे चल के लेसन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ जिन टूल्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो टूल्स होंगे, एक तो व्यू स्टूडियो कोड करेंगे हम लोग इंस्टॉल, दूसरा हम लोग करेंगे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स। आप भी इनके अलावा कोई भी टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने लेसन की तरफ। सबसे पहले मैं गूगल क्रोम पे जाता हूँ। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग जाएंगे व्यू स्टूडियो कोड की तरफ। आप जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो आपको सजेशंस आ जाएगी गूगल की तरफ से। तो व्यू स्टूडियो कोड फ्री डाउनलोड, आप लोगों ने फ्री वाला वर्जन डाउनलोड कर लेना है वो ठीक है। मैं व्यू स्टूडियो कोड की वेबसाइट पे जाता हूँ। नीचे मुझे मल्टीपल वेबसाइट्स भी नज़र आ रही हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर तो आप देखिए, आप code.vstudio.com की वेबसाइट पे आ गए हैं, यहाँ से आप लोग विंडो के लिए जो आपको व्यू स्टूडियो कोड चाहिए उसको आप लोग डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप लोग डाउनलोड करेंगे तो ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड्स वाले फोल्डर में चला जाएगा। आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी एडिटर्स हैं जिनमें नोटपैड प्लस प्लस, इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ठीक है। इसका आइकन और मैंने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, ये मेरा नोटपैड है। तो डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स वगैरह, डिफरेंट किस्म के जब आप वेबसाइट डेवलप करेंगे, वेबसाइट का कोई फ्रंट एंड तैयार करेंगे तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आप एक टाइम में मल्टीपल ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल एडिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपना व्यू स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। इसी तरह आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो सबसे पहले आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट, डोंट क्रिएट अ स्टार्ट मेन्यू फोल्डर। आप चाहें तो इसको चेकबॉक्स कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, इसको क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपके डेस्कटॉप के ऊपर आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉल, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा ठीक है। उसके अलावा हम लोग डिस्कस कर रहे थे नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर भी, क्या आप लोग नोटपैड प्लस प्लस को भी यूज़ कर सकते हैं, आप सबलाइम को भी यूज़ कर सकते हैं। मे बी सबलाइम भी मैंने किया हो, नहीं सबलाइम नहीं किया हुआ, आप इसको खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका ओवरव्यू दे सकते हैं बिल्कुल। और अब हम देखते हैं अपनी सेटअप की तरफ, हमारा सेटअप कितना इंस्टॉल हो गया है। तो चूंकि हमारा सेटअप इंस्टॉल हो गया है, इसको हम लोग करते हैं फिनिश। और
ये हमारा ओपन हो गया वी स्टूडियो कोड, ठीक है। जून 2024 वर्जन 1.91, ये वर्जन आ गया, अपडेटेड वर्जन आ गया आपके सामने, और अपडेटेड एड्रेस दीज इश्यूज, ठीक है। बहुत से इश्यूज वगैरह वी स्टूडियो ने इसको अपडेट कर दिए हैं। आपको पता ही होगा कि वर्जन वगैरह से मुराद जो होता है आपके पहले वाले वर्जन से लेटेस्ट वाले वर्जन में जो पुराने वर्जन में कमियां रह जाती हैं उनको अपडेटेड वर्जन के अंदर ख़त्म कर दी जाती हैं। तो हमारा वी स्टूडियो इंस्टॉल हो गया। वी स्टूडियो कोड में कुछ चीज़ें हैं वो हम लोग अकॉर्डिंग टू स्लाइड्स देखते जाते हैं। तो जैसे मैंने आपसे भी डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉलेशन भी हम लोगों ने कर ली, उसके बाद इन्वायरमेंट ऑफ वी स्टूडियो कोड के ऊपर देखते हैं। मैंने आपके लिए आपकी हेल्प के लिए वेबसाइट आप स्लाइड्स के अंदर लिंक्स भी डाल दी है, वेबसाइट का भी लिंक डाल दी है, और अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के अलावा कोई और भी है तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, वहाँ से आप ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, बैक जाएंगे तो यहाँ पे आपको वेब उबंटो, उसके अलावा .prm लिनक्स वगैरह मैक वगैरह के लिए भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलेशन भी हम लोगों ने कर ली, क्रिएटिंग अ डेस्कटॉप आइकन भी हम लोगों ने कर लिया एडिशनल टास्क के अंदर, और इंस्टॉल भी कर लिया। उसके बाद इन्वायरमेंट ऑफ व्यू स्टूडियो, तो इन्वायरमेंट ऑफ व्यू स्टूडियो कोड में सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया तो मेरे सामने ये स्क्रीन आ गई वेलकम की, जिसमें मुझे मल्टीपल किस्म के ऑप्शन दे रहा है, न्यू फाइल, ओपन फोल्डर, कॉन्टेक्ट अस, कनेक्ट टू अस, डिफरेंट किस्म के हमें दे रहा है। इसके अलावा हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिविटी बार, साइड बार, एडिटर्स, साइटेटस बार, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, यह हमें एक साइड पे एक बार नज़र आ रही है एक्टिविटी बार, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जैसे एक्सप्लोर है, सर्च है, सोर्स कंट्रोल है, उसके अलावा रन एंड डिबग है और एक्सटेंशंस हैं। यहाँ से आप कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फाइल में जाके आप यहाँ पे कोई भी फाइल लिख सकते हैं, index.html, और index.html लिखने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने इसको कहाँ पे अपनी ड्राइव में स्टोर करना है। तो जैसे ही मैं इसको कोई ऑप्शन देता हूँ ड्राइव का, न्यू फोल्डर में जाके मैं बता देता हूँ ASP.NET कि ये क्लास है, और इसके फोल्डर में जाके index.html के नाम से ये देखें फाइल का नेम रख दिया, और उसके बाद क्रिएट फाइल कर दो। और जैसे ही मैंने फाइल क्रिएट की तो उसने इसको फाइल को क्रिएट कर दिया। अब हम लोग ये जो हमारे साइड पर नज़र आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी बार। इसके अंदर डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, और ऊपर आपको एक साथ में उसके साथ में आपको एक नज़र आ रही है ये साइड बार। ये साइड बार क्या काम करती है, एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे साइड बार आ जाएगी, तो इसको क्लोज कर लें, इसको हम लोग क्या करते हैं PDF को बंद करते हैं। यहाँ से हम लोग फाइल ओपन फोल्डर करेंगे, और ओपन फोल्डर करने के बाद जो भी हम लोगों ने फाइल क्रिएट की है उसको दोबारा यहाँ से ओपन कर लेते हैं, उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो मैं सिलेक्ट फोल्डर करता हूँ, जैसे मैं सिलेक्ट फोल्डर करूँगा तो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक मेरा ASP.NET का फोल्डर ओपन हो गया और index.html। इससे पहले जो आपके पास स्क्रीन आ रही थी उसमें यह था कि मैंने पहले से कुछ प्रोजेक्ट ओपन किए हुए थे और उस वजह से वो आपको व्यू करवा रहा था। जैसे index.html आ गया, index.html के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे HTML का कोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हमें साइड बार है जहाँ पे index.html है, यहाँ पे ये साइड बार आ रही है, और साइड बार के अलावा आ जाते हैं एडिटर्स। ये जो आपको कोड वाला पार्ट नज़र आ रहा है, इसमें ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसमें आप जितना चाहें कोड कर सकते हैं अनलिमिटेड, इसमें कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि HTML की हम लोग यूज़ करेंगे आगे चल के। स्टेटस बार, तो स्टेटस बार क्या होती है हमारी, आप ये नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे ये हमें लाइन नंबर 9 column 5 गो टू लाइन नंबर स्पेसिस 4 UTF-8 कंट्रोल और HTML वो हमें बता रहा है कि कौन सी लैंग्वेज। आप यहाँ से
डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं स्टेटस बार से, सी, सी शार्प, सी प्लस प्लस, उसके अलावा बेतहाशा इसके अंदर वेबसाइट्स आ रही हैं, गिट, एफ शार्प, और इनके अंदर भी हम लोग जेसन वगैरह के अंदर और इस तरह की मल्टीपल पीएचपी, लारावेल और रूबी एंड रेल्स जितनी भी लैंग्वेज हैं वो मोस्टली इनका वी स्टूडियो कोड को इस्तेमाल करती हैं और उसको अपडेट करती हैं, मतलब उसी के अंदर से काम करती हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है, चूँकि हम लोगों ने एक्टिविटी बार को भी देख लिया, न्यू फाइल भी क्रिएट कर लिया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से, और उसके बाद स्टार्ट राइटिंग कोड इन एच टी एम एल लिख लिया। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे, इंस्टॉलेशन ऑफ गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम तो आप सबके लैपटॉप्स में ऑलरेडी होगा, सबके सिस्टम में होगा, तो आपको पता, आप इस चीज़ से, आपको इस चीज़ का पता ही होगा कि गूगल क्रोम आप गूगल पे जाके या इंटरनेट एक्सप्लोर पे जाके गूगल क्रोम लिखेंगे तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बहुत इजी स्टेप्स हैं। अब उसके बारे में आपको पता ही होगा, ओवरव्यू में आपको मैं बताता हूँ, यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ ऊपर यूआरएल होता है, उस यूआरएल के अंदर आप कोई भी वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं तो उसके बाद वो पेज ओपन कर देता है आपको। जैसे कि मैं आपको एक इंटरफेस दिखा देता हूँ गूगल क्रोम का, इस गूगल क्रोम में आप किसी भी टैब को ओपन कर लें तो यहाँ पे एक यूआरएल आपको नज़र आ रहा है, इस यूआरएल में आप अपने पेज को रन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे, मैं एक हेडिंग टैग दे रहा हूँ, हेडिंग टैग जिसके अंदर वेलकम टू द ASP.NET, वेलकम टू द ASP.NET लेक्चर। अब इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के लिए आप यहाँ से स्टार्ट डिबगिंग, तो वो मुझसे पूछेगा कौन से एप्लीकेशन में आपने रखा, तो अभी मैं इसको गूगल क्रोम। देखिए मैंने अपना पहली फाइल क्रिएट करके वी स्टूडियो के अंदर उसको रन कर लिया ब्राउज़र के ऊपर। इसका मतलब यह है कि मेरा वी स्टूडियो और मेरा ब्राउज़र प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप सब लोग भी इसको इसी तरह इंस्टॉलेशन इसकी इंस्टॉलेशन कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मज़ीद अपने आगे वाले लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।